जैसलमेर, जैसलमेर से कम बाड़मेर, और बाड़मेर से कम गंगानगर, और उसके बाद बीकानेर। ठीक है, ये समझ में आया। लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, क्या हुआ समझ में आया। यानी सबसे अधिक किसकी है, 464 जैसलमेर की, 228 किसकी, बाड़मेर की, और गंगानगर की 210, और बीकानेर की, घटता हुआ क्रम हो गया, अवरोही क्रम हो गया। दूसरी बात करें हम आरोही क्रम की, तो आरोही क्रम इसका जस्ट क्या हो जाएगा, विपरीत। पहले बीकानेर आ जाएगा, फिर गंगानगर आ जाएगा, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर। ठीक है, अब बात करें हम क्षेत्रफल के आधार पर। ये आरोही अवरोही क्रम क्या था, लंबाई के आधार पर था। अब हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर। तो जो सीमावर्ती जिले हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो सबसे जो बड़ा जिला है वो है जैसलमेर, क्षेत्रफल के आधार पर 38,401 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो नंबर आता है वो है बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आता है 28,000 के लगभग है इसका क्षेत्रफल। बात करें हम बीकानेर, तो बीकानेर का 27,000 के लगभग है। और उसके बाद आता है आपका श्री गंगानगर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम। सबसे अधिक जैसलमेर का, उसके बाद बाड़मेर का, उसके बाद बीकानेर का, और उसके बाद श्री गंगानगर का। ये अवरोही क्रम है, और आरोही क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। ठीक है, अब तो मेरे हिसाब से कोई, आज के लिए इतना ही काफी है। लाइट भी गई, गर्मी हो गई। फिर अब सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, सबसे दूर लिख लो दो चार पॉइंट, लिखवा देता मैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चीज छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। तहसीलों की भी बात कर ली हमने, कितनी तहसील लग रही है, कितनी तहसील है। सर्वाधिक तहसील किस जिले की लगती है? गंगानगर की। कितनी है, पांच। कौन कौन सी? हाँ, गंगानगर की सबसे ऊपर गंगानगर ही तहसील है, श्री गंगानगर जिला है और गंगानगर तहसील है। उसके बाद कर्णपुरा, ठीक है, फिर रायसिंह नगर, अनूपगढ़ और गढ़शाणा। उसके बाद हम बात करें तो बीकानेर जिला आता है। बीकानेर की दो हैं, कोलायत और खाजूवाला। ठीक है, डबल के, एक से कोलायत और दूसरे के से खाजूवाला। तीसरे की बात करें तो जैसलमेर, जैसलमेर की दो तहसीलें हैं, जैसलमेर तहसील और पोकरण तहसील। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट की, तो कौन सा, बाड़मेर। बाड़मेर की तीन तहसीलें हैं, सीव है, रामसर और चौटन तहसील है। इस तरीके से कुल 12 तहसीलें सीमावर्ती है। चलिए लिख लीजिए, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। तो कौन कौन से जिले हैं? केवल अंतरराष्ट्रीय की बात की है हमने, जैसलमेर और बीकानेर। केवल अंतरराष्ट्रीय अगर पूछता है तो कौन सा, जैसलमेर और बीकानेर। नेक्स्ट लिखिए, अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिले, अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिले।
यानी जो अंतरराज्य भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं। कौन कौन से हो गए? गंगानगर और बाड़मेर। बदल तो लिख दीजिए, गंगानगर और बाड़मेर। अब यहीं से एक प्रश्न और पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला, लिखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला होगा? बाड़मेर। क्यों? हमने क्षेत्रफल के आधार पर पढ़ा कि जैसलमेर सबसे बड़ा है, तो जैसलमेर नहीं है क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर? फिर आप बाड़मेर क्यों बता रहे हो? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला, हाँ, कौन सा है? जैसलमेर। वहीं पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला, गंगानगर। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के संदर्भ में पूछ रहा है वो, कौन सा होगा? गंगानगर। अगर लंबाई के आधार पर पूछे तब तो ठीक है, बीकानेर। लिखिए, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला, अब क्या आ जाएगा आपका? बीकानेर। न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला क्या हो जाएगा आपका? बीकानेर। नेक्स्ट लिखिए, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला, तो वो कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक। अभी ये भी मेरे को बताना पड़ेगा, कितनी बार बता चुका हूं, सर्वाधिक सीमा किसकी है? हाँ, जैसलमेर 464। नेक्स्ट लाइन लिखिए, लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर आरोही क्रम, लंबाई के आधार पर आरोही क्रम, तो आरोही क्रम क्या होगा? सबसे पहले बीकानेर, उसके बाद गंगानगर, उसके बाद गंगानगर, और उसके बाद बाड़मेर, और उसके बाद जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अवरोही क्रम, लंबाई के आधार पर ही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होगा? सबसे पहले, सबसे अधिक जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद गंगानगर, और फिर बीकानेर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का, हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम की बात कर रहा है, यानी बढ़ते हुए क्रम की, तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? श्री गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, और उसके बाद बाड़मेर, और उसके बाद जैसलमेर। देखिए, प्रश्न आपके बहुत ही सरल होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि आप जो उसमें लैंग्वेज दी जाती है उसको नहीं समझ पाते। उसको समझने का प्रयास किए करें कि क्या पूछ रहा है वो।
इसी तरह अवरोही क्रम लिख लो, उसमें आरोही हो गया, अवरोही और लिख लो। अवरोही में क्या हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सब क्लियर है? ठीक है, मेरे हिसाब से होनी भी नहीं चाहिए। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे विस्तार से समझा दिया है। हाँ लिखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा होगा? गंगानगर। सर्वाधिक दूर की बात करें तो बीकानेर, सर्वाधिक दूर। ये तो क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में। अगर वैसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है और फिर कौन सा जिला मुख्यालय दूर है, तो कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, ये तो हो गया कि राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं ना, उन जिलों में से। उनके अलावा अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, धौलपुर। यानी सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, धौलपुर, तो धौलपुर जिला मुख्यालय हो जाएगा। कितने डिग्री देशांतर पर है? 78 डिग्री। ठीक है, 78 डिग्री देशांतर पर। आगे बढ़े, अंतरराज्य सीमा। अगर हम राजस्थान की कुल अंतरराज्य सीमा की बात करें तो कुल जो सीमा है वो है 4,850 किलोमीटर। यानी 1,070 माइनस कर देंगे तो कुल अंतरराज्य सीमा होगी। अगर इसके अंतर्गत हम बात करें तो संलग्न राज्य, जो इसके अंतर्गत राज्य हैं, वो कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो वो हैं आपके 5 राज्य। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बनाता है आपका पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद यूपी, यूपी के बाद एमपी, और उसके बाद गुजरात। इस तरीके से 5 राज्य हैं जो अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। यानी राजस्थान इन 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पंजाब की साथ बात करें तो 89 किलोमीटर, पंजाब के साथ 89। हरियाणा की बात करें तो 1,262 किलोमीटर, यूपी के साथ बात करें तो 877 किलोमीटर, एमपी के साथ बात करें तो 1,600 किलोमीटर, गुजरात के साथ बात करें तो 1,022 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से कुल अगर इसको टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 48,550 किलोमीटर। ठीक है, 5 राज्य हैं। सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक एमपी की सर्वाधिक सीमा, और न्यूनतम की बात करें तो पंजाब न्यूनतम सीमा कितने किलोमीटर,
न्यूनतम 89 किलोमीटर और अधिकतम 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। कल हमने चर्चा की थी कि मानचित्र आपको याद होना चाहिए। तो मानचित्र एक बार आप बिना देखे थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, हो जाएगा आपके सारे जिले याद हो जाएंगे कि कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं। देखें एक बार, ये उतार लिया, उतारो इसको पहले। मैप लेके आया करो, मैं अब भी बता रहा हूं, अगर मैप के अकॉर्डिंग चलोगे तो ना तो आपको जो प्रत्येक जिले के शुभंकर हैं वो रटने पड़ेंगे, ना ही आपको पर्वत चोटियां रटनी पड़ेंगी, ना ही आपको क्षेत्रफल रटना पड़ेगा, क्योंकि पर डे एक ऐसा सीक्वेंस करेंगे कि दो जिलों का क्षेत्रफल, दो जिलों के शुभंकर और दो जिलों की पर्वत चोटियां और दो जिलों के ही क्या जो खनन क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो इससे आपको क्या है, पर डे एक मैपिंग सिस्टम भी हो जाएगा और आपको याद भी होता चला जाएगा। जब हम कोई भी टॉपिक जैसे खनिज पढ़ेंगे तो फिर खनिजों की जो खाने हैं वो आपको पता रहेंगी कि किस जिले में है और कहाँ है, ठीक है। इसी तरह जब अरावली के भौतिक प्रदेश की बात करेंगे तो उसमें जो पर्वत चोटियां आएंगी तो वो भी आपको पता रहेगा, पर्वत श्रेणियां पता रहेगा कि कहाँ कहाँ है राजस्थान में और कौन सी कहाँ स्थित है, तो सारी चीजें आपको पता हो जाए। क्षेत्रफल का भी आपको पता हो जाएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा जिला बड़ा है या छोटा है। अब वो कई तरीके से पूछ सकता है, क्षेत्रफल के संदर्भ में अभी हम पढ़ेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। इस सीमा की चर्चा कर लेते हैं, उतार लिया। तो न्यूनतम सीमा कौन सा जिला बना वो राज्य बनाता है, कितने किलोमीटर, 89 किलोमीटर। वैसे याद नहीं रहे तो पंजाबी हमेशा नई चीज के लिए बोलते रहते हैं नवा, है ना, तो वैसे याद रख लेना 89, ठीक है। तो पंजाब के साथ 89 न्यूनतम, और सर्वाधिक की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ कितनी, 1600 किलोमीटर। गुजरात के साथ 10 बाई 10 से 22। जब पंजाबी बोलते हैं ना वैसे बोलते हैं 10 बाई, कि कोई कुछ चीज क्या है मेरे से, तो 10 बाई 10 और 22। तो दोनों तो याद हो गई, पंजाब से गुजरात, गुजरात की वो पंजाब की 89 और गुजरात की 10 बाईस, यानी 1022, ठीक है। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा की कितनी है, 1262, और बात करें यूपी की 877, ठीक है। ये आपका पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी, यूपी के बाद एमपी, और इधर गुजरात। इस तरीके से ये पांचों राज्य सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं उनकी बात कर लेते हैं। मैपिंग में आपने किया होगा कि यहां सबसे पहले जो जिला है सबसे उत्तर में वो है श्री गंगानगर, ठीक है। उसके बाद हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, के बाद सीकर, सीकर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद करौली आ गई, धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, सवाई माधोपुर। श्री माधोपुर नहीं है, श्री माधोपुर तो कस्बा एक,
बात करें उसके बाद सवाई माधोपुर के बाद झालावाड़, कोटा, कोटा के बाद बारा, बारा के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा कहाँ खा गया? और प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद अगर हम बात करें तो उदयपुर, उदयपुर के अगर बाद बात करें, अरे सारे जिले बताए थे मैंने, सिरोही, सिरोही के बाद जालौर, और जालौर के बाद ये सारे जिले क्या हैं? सीमावर्ती जिले हैं। सबसे पहले श्रीगंगानगर मैप खोलो और मैप में देखो, भरवाया था मैंने। सबसे ऊपर कौन सा है? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर के बाद हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, फिर जयपुर, उसके बाद अलवर के बाद दौसा। कहाँ से आ गया? भरतपुर। सीमावर्ती जिलों की बात कर रहे हैं, भरतपुर, भरतपुर के बाद धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली के बाद उसके बाद कोटा, कोटा के बाद बारा, बारा के बाद झालावाड़ के बाद चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा, और उसके बाद डूंगरपुर के बाद उदयपुर के बाद सिरोही के बाद जालौर के बाद बाड़मेर। ठीक है, अब हम इनमें बात करें कि इन टोटल जिलों में से कितने जिले हो गए? काउंट करो इनको, कितने जिले हो गए? गिनती तो आती है ना। अंतरराज्य सीमा पर स्थित कुल जिलों की संख्या क्या है? अब यहां रटने की कौन सी जरूरत पड़ रही है? इनको काउंट कर सकते हो आप, 25 हैं। 25 तो कुल सीमावर्ती जिले हैं, जिनमें से दो घट जाते हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले। ठीक है, 23 जिले हैं जो सीमावर्ती जिले हैं अंतरराज्य सीमा पर। काउंट करो, एक श्रीगंगानगर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। इस तरीके से 23 जिले अंतरराज्य सीमा पर स्थित हैं। अब बात करें कि सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो सर्वाधिक सीमा इसमें बनाता है आपका झालावाड़, 520 किलोमीटर। ठीक है, और ये बनाता है आपका मध्य प्रदेश के साथ। वहीं हम बात करें कि न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है, तो न्यूनतम सीमा बनाता है आपका बाड़मेर, 14 किलोमीटर। ठीक है, अब देख ध्यान रखना इसका कि अगर वो पूछे कि न्यूनतम अंतः स्थलीय अंतरराज्य सीमा बनाने वाला, न्यूनतम स्थलीय अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, एक शब्द जोड़ेगा वो कौन सा? अगर ये शब्द जोड़ दे कि न्यूनतम स्थलीय अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा, चेंज होने के बाद आ जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा क्यों आ जाएगा? स्थलीय का मतलब क्या है कि 4800। इस चीज को समझो आप, ये क्या है? भीलवाड़ा यहां है, ठीक है, ये आपका भीलवाड़ा है, और भीलवाड़ा की 16 किलोमीटर सीमा लगती है एमपी के साथ। किसके साथ? एमपी के साथ।
इसको पूरे चारों तरफ से इसने एमपी ने घेर रखा है। जबकि यहां बाड़मेर के साथ हम जाते हैं तो गुजरात भी लगता है और गुजरात के साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना लेता है, इसलिए ये स्थलीय नहीं है। बाड़मेर स्थलीय नहीं है, ठीक है। स्थलीय का मतलब होता है एक ही राज्य से घिरा हुआ, ठीक है, यूं कह सकते हैं हम। तो एक ही राज्य से घिरे हुए कौन सा है सर्वाधिक सीमा बनाने वाला? भीलवाड़ा। समझ में आ गया ना? और पूछ ले कि वैसे किसकी है न्यूनतम, तो बाड़मेर की। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से राज्यों के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? दो जिले। दो कौन कौन से? एक तो आपका श्रीगंगानगर और एक हनुमानगढ़, ठीक है। इनमें अगर बात करें तो सर्वाधिक सीमा बनाता है आपका गंगानगर पंजाब के साथ, ठीक है, और न्यूनतम बनाता है आपका हनुमानगढ़, ठीक है। वहीं हम बात करें चूरू झुंझुनू सीकर जयपुर अलवर भरतपुर और आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से लेकर और भरतपुर तक ये किसके साथ लगे हुए हैं? हरियाणा के साथ। ये क्रम भी है, ध्यान रखना। अगर पूछ ले कि हरियाणा के साथ संलग्न जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, तो ये क्रम भी है। तो हरियाणा के साथ कितने जिले हो गए? हरियाणा के साथ काउंट करो एक बार, सात हो गए होंगे। एक दो तीन चार पांच छह और सात। तो हरियाणा के साथ कितने जिले लगते हैं? राजस्थान के सात। इन सातों में अगर सर्वाधिक की बात करें कि सर्वाधिक कौन सी जिला सीमा बनाता है, तो आ जाएगा हनुमानगढ़ सर्वाधिक। सर्वाधिक कौन सा होगा? हनुमानगढ़। वहीं बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम कौन सा होगा? न्यूनतम होगा आपका जयपुर, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें यूपी की, तो यूपी के साथ ये दो जिले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। इनमें अगर बात करें कि सर्वाधिक कौन सा बनाता है और न्यूनतम कौन सा बनाता है, तो सर्वाधिक बनाता है भरतपुर, ठीक है, और न्यूनतम बनाता है आपका धौलपुर। वहीं हम बात करें कि धौलपुर करौली सवाई माधोपुर कोटा बारा झालावाड़ चित्तौड़ भीलवाड़ा प्रताप बांसवाड़ा तक जो सीमा लगती है और धौलपुर से शुरू होती है, यानी टोटल 10 जिले, ये किसके साथ हैं? एमपी के साथ है। कौन कौन से हैं? धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, कोटा के बाद बारा है, झालावाड़ है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ठीक है। ये 10 जिले एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। अब इन 10 में से बात करें कि 10 में से सर्वाधिक कौन सा बनाता है, तो सर्वाधिक बनाता है झालावाड़। ये वैसे भी अंतरराज्य सीमा में सर्वाधिक बनाता है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कौन सा जिला बनाता है? भीलवाड़ा। यहां ध्यान रखना, एमपी के साथ न्यूनतम सीमा कौन सा जिला बनाता है? इंक खत्म हो गई। भीलवाड़ा न्यूनतम मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। वहीं हम बात करें आगे की, तो आगे गुजरात राज्य के साथ डूंगरपुर उदयपुर सिरोही जालौर बाड़मेर और बांसवाड़ा, ये 6 जिले गुजरात के साथ, ठीक है। गुजरात के साथ कितने जिले? 6 जिले। इनमें अगर बात करें कि सर्वाधिक कौन सा बनाता है, तो सर्वाधिक बनाता है आपका उदयपुर।
ठीक है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम बनाता है आपका बाड़मेर। टोटल अंतरराज्य सीमा पर स्थित जिले हैं कितने? 23। 23 जिले कितने राज्यों के साथ लगते हैं? पांच राज्यों के साथ। पांच में सबसे पहले कौन सा? पंजाब राज्य के साथ। कितने? दो। उसके बाद कौन कौन से लगते हैं दो? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो सर्वाधिक कौन सा बनाता है? सर्वाधिक गंगानगर। पंजाब के साथ सर्वाधिक बनाएगा गंगानगर, जबकि हरियाणा के साथ बनाएगा हनुमानगढ़। ठीक है। उसके बाद हम बात करें हरियाणा के साथ, तो हरियाणा के साथ कितने जिले लगते हैं? सात जिले लगते हैं। सात कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, वो सॉरी भरतपुर तक सात जिले लगते हैं। ठीक है। इन सात में से सर्वाधिक कौन सा बनाता है? तो सर्वाधिक बनाता है हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ सर्वाधिक कौन सा जिला बनाता है? हनुमानगढ़। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जयपुर। ठीक है, चलो लिख लो थोड़ा सा। ये लिख लो, ये लिखिए अंतरराज्य सीमा पर स्थित कुल जिलों की संख्या। अंतरराज्य सीमा पर स्थित कुल जिलों की संख्या। तो कुल संख्या 23। सबसे पहले लिखिए पंजाब के साथ संलग्न जिले। तो इसमें कितने हैं? दो। कौन कौन से? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इस तरीके से लिखते चलिए। इसके आगे लिख लीजिए श्री गंगानगर के आगे सर्वाधिक और न्यूनतम हनुमानगढ़ के आगे। नेक्स्ट लाइन लिखिए, फिर पंजाब के बाद आता है हरियाणा। हरियाणा के साथ संलग्न जिले। हरियाणा के साथ लगने वाले राजस्थान के जिले या संलग्न जिले कौन कौन से होंगे? तो हरियाणा की बात की, हरियाणा की कुल सीमा 1262 किलोमीटर। और जिलों की बात करें तो सात जिले हैं। सबसे पहले लगता है हनुमानगढ़, जो कि सर्वाधिक सीमा बनाता है। नेक्स्ट की बात करें हम हनुमानगढ़ के बाद चूरू, उसके बाद झुंझुनू, उसके बाद सीकर, उसके बाद जयपुर, जो कि न्यूनतम सीमा बनाता है। उसके बाद हम बात करें अलवर, और उसके बाद भरतपुर। इस तरीके से सात जिले राजस्थान के हरियाणा के साथ लगते हैं, जिसमें सर्वाधिक हनुमानगढ़ और न्यूनतम जयपुर बनाता है। नेक्स्ट लिखिए यूपी के साथ
संलग्न जिले। तो यूपी के साथ दो ही जिले हैं, पहला भरतपुर और दूसरा धौलपुर। सर्वाधिक की बात करें तो भरतपुर और न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर। यूपी के बाद आपका आता है एमपी, मध्य प्रदेश। कुल सीमा 1600 किलोमीटर। जिलों की बात करें तो कितने? 10 जिले। अब 10 जिलों में बात करें तो सबसे ऊपर भरतपुर नहीं लगता क्या? धौलपुर, उसके बाद धौलपुर के बाद कौन सा सीमावर्ती जिला है? अरे इतनी बात बताने के बाद तो सवाई माधोपुर। उसके बाद उसके बाद 12, उसके बाद झालावाड़, उसके बाद चित्तौड़गढ़, और उसके बाद भीलवाड़ा, और उसके बाद वही तो गड़बड़ कर दी ना अपन ने, भरतपुर लिख दिया। यानी 10वां कौन सा हो जाएगा? क्रम चेंज कर लेना भाई। बांसवाड़ा, ठीक है। ये 10 जिले, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब इनमें से ध्यान रखना, दो जिले ऐसे हैं जो दो बार सीमा बनाते हैं। एक तो आपका कोटा और एक आपका चित्तौड़गढ़ जिला। कैसे बनाते हैं? ये जो आपका पूरा क्षेत्र है ये आपका कोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले कोटा एक बार इधर से सीमा बनाता है एमपी के साथ, और एक बार इधर से बनाता है, और यहीं पे संलग्न रावतबाटा क्षेत्र है, चित्तौड़ का रावतबाटा। तो एक बार चित्तौड़ यहां सीमा बनाता है और एक बार यहां सीमा बनाता है। तो इस तरीके से दो बार चित्तौड़ बनाता है और दो बार ही कोटा बनाता है, ठीक है। लिख लीजिए, इन 10 जिलों में अगर बात करें सर्वाधिक की, तो सर्वाधिक बनाता है झालावाड़ और न्यूनतम बनाता है आपका भीलवाड़ा, ठीक है। न्यूनतम आपका भीलवाड़ा। दो लाइन लिखिए।
अंतर्राज्य सीमा पर स्थित, अंतर्राज्य सीमा पर स्थित दो बार सीमा बनाने वाले जिले, दो बार सीमा बनाने वाले जिले, हाँ अंतर्राज्य सीमा पर स्थित दो बार सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे? कोटा और चित्तौड़गढ़। अगर मैं कहूं कि इनमें से एक ही जिले को प्रेफर करना है या अलग करना है तो क्या कर सकते हो क्या दोनों को, कोई विशेषता को लेकर? आप अगर दोनों में से एक ही आंसर देना हो, मान लो चित्तौड़ का ही देना है कि उसका आंसर चित्तौड़ हो, तो उसकी क्या विशेषता जोड़ी जाए अंतर्राज्य सीमा के साथ? अंतर्राज्य सीमा पर स्थित एकमात्र विखंडित जिला कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़। क्योंकि राजस्थान के दो जिले, एक तो अजमेर और एक चित्तौड़, दोनों ही विखंडित जिले हैं, तो यूं कह सकते हैं कि अंतर्राज्य सीमा पर स्थित एकमात्र विखंडित जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और विखंडित भाग की हमने बात ही कर ली, चित्तौड़गढ़ का रावतभाटा। इसका आकार जो बताया था हमने, कैसा बताया था? इसकी आकृति रावतभाटा की आकृति की बात की थी हमने, घोड़े के नाल के समान। हाँ पीछे तो पन्ने पलट ही लोगे आप, घोड़े के नाल के आकार, जबकि चित्तौड़गढ़ की बात की थी इल्ली के समान। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट गुजरात के साथ राजस्थान के छह जिले लगते हैं, गुजरात के साथ संलग्न जिले। नेक्स्ट लाइन लिखो, गुजरात के साथ संलग्न जिले। सबसे पहले बांसवाड़ा, उसके बाद डूंगरपुर, उसके बाद उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, ये छह जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। और गुजरात के साथ कुल सीमा कितनी है? 1022 किलोमीटर। ठीक है, इनमें हम बात करें कि सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो सर्वाधिक बनाता है आपका उदयपुर, सर्वाधिक सीमा। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम बनाता है आपका बाड़मेर, न्यूनतम कौन सा बनाता है? बाड़मेर। अब देखिए यहां से इनडायरेक्ट प्रश्न कैसे होगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ओ अंतरराज्य सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अंतरराज्य सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अभी हमने चार जिले पढ़े थे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित बड़े जिले, या राजस्थान के बड़े जिलों की बात की थी, तो वहां कौन सा आया था? जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर कहीं ना कहीं गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो यूं कह सकते हैं कि अंतरराज्य सीमा पर या किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हुए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होगा? बाड़मेर, बांसवाड़ा नहीं, बाड़मेर। ठीक है, तो दो चार लाइन लिख लीजिए। सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़, 520 किलोमीटर। नेक्स्ट लाइन लिखिए, न्यूनतम, हाँ 520,
न्यूनतम अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला, ये आपका हो जाएगा बाड़मेर। न्यूनतम अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा होगा? बाड़मेर। नेक्स्ट लिखिए, न्यूनतम स्थलीय अंतरराज्य सीमा वाला जिला, तो इसमें आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा। ठीक है, लिखिए, अंतरराज्य सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला कौन सा है? वेरी गुड, सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर ही है, और अंतरराज्य सीमा पर स्थित है, तो प्रश्न को घुमा सकता है कि अंतरराज्य सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला, जबकि पूछ क्या रहा है, वो धौलपुर के बारे में ही पूछ रहा है, यानी सबसे छोटे जिले की ही बात कर रहा है। तो इसी तरह नेक्स्ट लाइन लिखिए, अंतरराज्य सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला, अंतरराज्य सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला। कौन सा होगा? सर्वाधिक और न्यूनतम का ध्यान रखना है आपको। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां से किस किस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। एक तो पूछ सकता है वो संलग्न जिले, संलग्न जिले मतलब जैसे धौलपुर के बाद करौली है, ठीक है, तो धौलपुर और करौली क्या हो गए? संलग्न जिले हो गए। ठीक है, इसके बाद जैसे करौली और कोटा दे दे तो वो संलग्न जिले नहीं होंगे, क्योंकि करौली के बीच में क्या आ गया? कोटा, और करौली के बीच में क्या है? सवाई माधोपुर। तो इस तरीके से संलग्न जिले नहीं होंगे, एक साथ लगने वाले जिले कंटिन्यू क्रमवाइज वो कहेंगे संलग्न जिले। तो यहां हम सीमा के रूप में संलग्न जिले भी दे सकता है कि निम्न में से कौन सा पंजाब के साथ संलग्न सीमा नहीं बनाता, कौन सा हरियाणा के साथ संलग्न सीमा नहीं बनाता। तो संलग्न सीमा में दो जिलों का युग्म देगा, वो तीन का भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि दो का ही दे, दो या तीन, तो लेकिन वो क्रम वाइज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि सर्वाधिक किसके साथ बनाता है और न्यूनतम किसके साथ बनाता है। तो पंजाब की अगर बात करें तो सर्वाधिक पंजाब के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है? गंगानगर। और न्यूनतम बाड़, हनुमानगढ़, न्यूनतम हनुमानगढ़। वहीं हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ सर्वाधिक बनाता है और न्यूनतम जयपुर बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यूपी की, तो यूपी के साथ कौन सा जिला सर्वाधिक बनाता है? भरतपुर, और न्यूनतम धौलपुर। वहीं हम बात करें एमपी के साथ, तो एमपी के साथ कौन सा बनाता है? झालावाड़, और न्यूनतम भीलवाड़ा। वहीं हम बात करें गुजरात के साथ, तो गुजरात के साथ सर्वाधिक उदयपुर और न्यूनतम बाड़मेर। ठीक है, कुल टोटल की बात करें कि कुल स्थलीय सीमा सर्वाधिक कौन सा बनाता है? कुल सर्वाधिक स्थलीय सीमा अंतरराज्य स्थलीय सीमा वाला जिला सबसे अधिक बनाता है झालावाड़, और सबसे कम, जबकि स्थलीय जोड़ दे तो वो स्थलीय अंतरराज्य सीमा वाला जिला न्यूनतम, न्यूनतम स्थलीय अंतरराज्य सीमा वाला जिला हो जाएगा न्यूनतम, यानी वो भीलवाड़ा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि भाई किस तरीके से वो पूछ रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, आज के लिए काफी है, कल जो पंजाब है, हरियाणा है।